नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्योति जी हैं जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। काफी लंबे समय से ये डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानती है। ज्योति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितना समय हो गया आपको डेरा सच्चा सौदा संस्था में? कैसा माहौल लगता है आपको? अच्छा लगता है। एक लड़की होने के नाते वहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? सही है सुरक्षा। कभी भी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? हमें तो नहीं लगा। जो भी आरोप लगाए गए संत जी के ऊपर झूठे हैं। आप जो बोल रहे हो अपनी मर्जी से बोल रहे हो या किसी के कहने पर? अपनी मर्जी से। फिर इस तरीके से आपको क्या लगता है झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? पता नहीं। फिर सच क्या है? संत जी का स्वभाव कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। उन्होंने तो सच ही सिखाया है। क्या सिखाया है, क्या किया है उन्होंने समाज के लिए? समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे विधवा विवाह हो गया, बेटियां बनाया है लड़कियों को, और भी कई काम किए हैं। 4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है? जरूरत है संत जी की? उनकी तो जरूरत तो है, पर देखो सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि उनको जल्दी मतलब आयोजित बरी करें, बिना मतलब के जो झूठे केस हैं उनको बंद करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इनकी अपील है कि संत जी समाज में आने चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे हैं, और ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत जी आए। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए।